Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls School College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the theoretical basis of educational technology. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful and interesting for all of us. तो हम यहाँ पर यहाँ से शुरू नहीं कर रहे हैं कि तकनीकी क्या है, शिक्षा क्या है, ये सब आप जानते हैं. नॉट इवन विद द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बट एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किन किन चरणों से, किन किन क्रांतियों से होकर शैक्षिक तकनीकी गुजरी है, उसको जान लेते हैं. फिर उसका सैद्धांतिक आधार देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का सैद्धांतिक आधार क्या है. तो एरिक एशले ने चार क्रांतियां शिक्षा में डिफाइन की, बल्कि शैक्षिक तकनीकी में खोजी हैं. वो है पहली रिवोल्यूशन, ये कहते हैं द रिवोल्यूशन शिफ्टेड द टास्क ऑफ एजुकेटिंग द यंग वंस फ्रॉम पेरेंट्स टू टीचर्स एंड फ्रॉम होम टू स्कूल्स. यानी कि जब ये टास्क शिफ्ट हो गया कि पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाएंगे, से ये शिफ्ट हो गया कि शिक्षक पढ़ाएंगे, यानी कि होम से स्कूल जब शिफ्ट हुआ, जैसे ही होम से स्कूल लर्निंग या एजुकेशन शिफ्ट होगी, वैसे ही ये पेरेंट्स से टीचर्स में शिफ्ट हो जाएगी. यानी कि शुरुआती दौर में ये माता पिता का काम था, ये घर का काम था शिक्षा देना, पर जैसे ही रेजिडेंशियल स्कूल या स्कूलिंग का कंसेप्ट आया, वैसे ही ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स टीचर्स एंड टूवर्ड्स स्कूल्स. तो ये पहली क्रांति हुई. Then second revolution, revolution of adoption of the written word as a tool of education. हम जानते हैं कि सबसे पहले जब शुरुआती दौर में शिक्षा होती थी तो ये सब सुनने से चलता था काम, कि शिक्षक बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं. जब से written word का concept आया तो इसने भी एक क्रांति लाई शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में. तीसरा रिवोल्यूशन क्या कब हुआ? द रिवोल्यूशन वाज़ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एंड अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. सोचिए उस दौर में जब बुक्स नहीं होती होंगी, जब पढ़ने लिखने का कोई मटेरियल नहीं होता होगा, सिर्फ याद करना है, सिर्फ जो सुन लिया है वही सब कुछ है. तो उसके बाद जब प्रिंटिंग का आविष्कार हो गया, मुद्रण तकनीकी का आविष्कार हो गया, इसका मतलब कि आप प्रिंट कर सकते हैं, इसका मतलब आप बुक छाप सकते हैं, इसका मतलब आप उसकी जितनी चाहें उतनी प्रति निकाल सकते हैं. तो ये एक तीसरी क्रांति रही शिक्षा के शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में. और चौथी क्रांति क्या है? कि रिवोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना. जब इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हो गया और उसको हमने शिक्षा में अधिग्रहण कर लिया उसका, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कैसेट रिकॉर्डर, कंप्यूटर और डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स कॉन्सेप्ट, या अब तो इंटरनेट आ गया है. तो ये रही शिक्षा शैक्षिक तकनीकी, आप कह सकते हैं शिक्षा में इस तरीके से ये चार क्रांतियां बताई जाती हैं. तो अब शुरू करते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन. तो अगर हमको ये जानना हो शैक्षिक तकनीकी के बारे में, हम जानते हैं थोड़ा बहुत, है ना, कि शैक्षिक तकनीकी का सैद्धांतिक आधार क्या है, नींव कहाँ से पड़ी, कहाँ से इसमें क्या, इसके जो पिलर्स हैं थ्योरेटिकल वो कौन कौन से हैं. तो अगर हम खोजें तो हम पाते हैं कि चार रेलेवेंट एरिया खोजे गए हैं. चार जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का मनोविज्ञान, कम्युनिकेशंस थ्योरी यानी कि कैसे संप्रेषण करना है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी कि मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में इंटरैक्शन से ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इतनी फ्लरिश कर रही है, एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड डेवलपमेंट. तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पे हमारा बेसिक एम्फेसिस रहेगा क्योंकि हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट्स हैं. बाकी थ्योरीज को हम जान लेंगे कि क्या क्या है. तो द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग हैज अंडरगॉन बेसिक चेंजेस इवॉल्विंग फ्रॉम बिहेवियरिज्म टू कॉग्निटिविज्म टू कंस्ट्रक्टिविज्म. ये हम लोग कई बार जान चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए हैं. और साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म से गई कॉग्निटिविज्म के पास, और कॉग्निटिविज्म के पास से गई कंस्ट्रक्टिविज्म के पास, यानी कि पहले व्यवहारवाद था, फिर संज्ञानवाद था, फिर संरचनावाद था या रचनावाद था. फिर एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस हैव बीन चेंजेस इन हाउ रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स थिंक अबाउट इंस्ट्रक्शन. भाई हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या? इंस्ट्रक्शन ही तो यहाँ भी देना है, बस हमने इंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लिया है. तो इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका है वो साइकोलॉजी के बदलने से बदल रहा है. जैसे जैसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बदल रही है, वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन देने का तरीका भी बदल रहा है उसी के हिसाब से. तो मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर लाइकली टू कंटिन्यू टू इवॉल्व बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इमोशन. और हम जो हम इंस्ट्रक्शन का तरीका चुनते हैं वो किस पर आधारित है? इसी पर तो आधारित है कि मनुष्य का व्यवहार, वो कैसे सीखता है, उसके इमोशंस क्या है, इन्हीं पर आधारित है. तो जैसे जैसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बदल रही है, वैसे वैसे आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का तरीका भी बदल रहा है.
since the 20th century, some major educational theories such as behaviorism, cognitivism, constructivism, and multiple intelligences have been widely implemented in education, greatly linked to the development and utilization of educational technology. यानी कि जैसे जैसे हम व्यवहारवाद से संज्ञानवाद और संज्ञानवाद से रचनावाद और रचनावाद के बाद हम बहु यू कैन से बुद्धिवाद बुद्धिमत्तावाद तक गए, वैसे वैसे हमने इंस्ट्रक्शन देने का तरीका भी बदल दिया. तो कुछ खास लोगों के कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जिसमें से ऑसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑसिबल डेविड पी ऑसिबल डेविड पॉल ऑसिबल वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइंस एंड साइंस एजुकेशन. यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान और आपका कॉग्निटिव साइंस और विज्ञान शिक्षा में इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा. ऑसिबल बिलीव्ड दैट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज इज अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग. आपने जब भी रीजनिंग पढ़ी होगी आप जानते होंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके की होती है. तो ऑसिबल ने ये पाया कि कंसेप्ट प्रिंसिपल और आइडिया को हम डिडक्टिव रीजनिंग से अच्छे से सीख सकते हैं. सिमिलरली ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग. देखिए डेविड पी ऑसिबल के एडवांस ऑर्गेनाइजर का पहले से ही मेरा वीडियो है, आप उसको सुन सकते हैं. इसलिए यहाँ पे उसको बस हम क्विकली निकल रहे हैं कि इन्होंने पाया कि मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो अच्छी है एज अपोज टू रोट लर्निंग रोट मेमोराइजेशन. यानी कि विद्यार्थी याद करके ना सीख मतलब रट के ना याद करें बल्कि समझ के अगर उसको समझेंगे मीनिंग समझेंगे उसका तो वो बेहतर होगा उनके लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज. और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की तरह इन्होंने भी कहा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लर्निंग को प्रभावित करता है वो ये है कि जो लर्नर है वो पहले से क्या जानता है. दिस लेड ऑसिबल टू डेवलप एन इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर्स. और इसी विचार ने ऑसिबल को प्रेरित किया कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई मीनिंगफुल लर्निंग की और एडवांस ऑर्गेनाइजर. एडवांस ऑर्गेनाइजर को क्या कहते हैं? अग्रिम व्यवस्थापक. और मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम. तो ये दोनों सिद्धांत इन्होंने दिए. Ossible believes that learning new knowledge relies on what is already known. That is, the construction of knowledge begins with our observation and recognition of events and objects through concepts we already have. यानी कि जो concepts हम पहले से रखते हैं वही हमको मदद करते हैं हमारे observation में और recognition of events में. Three basic requirements for meaningful learning involve. इन्होंने कहा कि कौन सी वो तीन जरूरी आवश्यकताएं हैं जो meaningful learning के लिए जरूरी होती हैं. सबसे पहला the learner's relevant prior knowledge. Learner पहले से क्या जानता है. Meaningful material. अर्थपूर्ण हम उसको मटेरियल प्रोवाइड करें यही एडवांस ऑर्गेनाइजर है. एंड द लर्नर्स चॉइस यानी कि लर्नर को भी ये चुनना होगा कि वो रोट मेमोराइजेशन की जगह मीनिंगफुल लर्निंग को इस्तेमाल करे. ठीक, तो ये ऑसिबल ने हमको बताया और हमने इसी को इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व कर लिया कि जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो इस तरीके से देंगे. तो ये एजुकेशन हो गया. और जब हमने उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता से देंगे तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया. फिर स्किनर साहब का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. Skinner had developed what he called a theory of radical behaviorism. Skinner भी behaviorist हैं, पर वो behaviorist में भी radical behaviorist हैं. That all human activity can be seen as a behavior and that all behaviors can be modified through reinforcement techniques. देखिए reinforcement की word है Skinner की theory का. इन्होंने कहा कि सभी जो मनुष्य की activity हैं उसको व्यवहार के रूप में आप देख सकते हैं और सभी व्यवहारों को आप reinforcement यानी कि पुनर्बलन की तकनीकों से modify कर सकते हैं. B.F. Skinner is also often credited as the inventor of the teaching machine. जब प्रोग्राम लर्निंग ये स्किनर होना चाहिए था, सिनर हो गया. जो बीएफ स्किनर है उनको अक्सर टीचिंग मशीन का इन्वेंटर भी कहा जाता है. Behaviorism as an educational learning theory led to the development of several aspects of instruction and learning production, some of which we still use in classroom today, including direct instruction, lectures, behavioral objectives as classroom management, behavioral reward system, positive reinforcement and individualized instruction, among other notions. कह रहे हैं कि व्यवहारवाद जो एक educational learning theory है उसने बहुत सारे हमारे instruction और learning production के जो aspect हैं उनकी development में help की और बहुत सारे हम लोग आज भी use करते हैं जैसे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड सिस्टम एटसेट्रा. अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म इन अ प्योर सेंस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स. ये कह रहे हैं जो शैक्षिक वेबसाइट्स हैं वो भी एक्चुअली बिहेवियरिज्म का ही प्रोडक्ट या बिहेवियरिज्म का ही यूसेज है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में. कैसे? दीज इंस्ट्रक्शनल वेबसाइट्स होस्ट वीडियोस दैट एक्सप्लेन अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल टॉपिक्स एंड आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ शॉर्ट क्विज after which based on the outcome students can assess their understanding of the video and content material. जो हम educational website है उसपे videos पड़े हुए हैं, videos आपने पढ़े, जैसे ही आप video खत्म करते हैं उसके बाद उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप उससे assess कर सकते हैं कि आप कितना जाने कितना नहीं जाने. तो ये क्या है, ये क्या इंस्टेंट फीडबैक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट के ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. तो स्किनर की थेरी के आधार पर ही ये बने हैं.
तो द रिजल्ट्स आर शोन इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन एंड प्रोवाइड सक्सेस एक्सप्लेनेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंड ही एंडेवर टू ब्रिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट बाय रीइंफोर्सिंग इट ओनली व्हेन पर्टिकुलर स्टिमुलाई वर प्रेजेंट। इन्होंने बहुत ज्यादा स्टिमुलस पे तो नहीं, रीइंफोर्समेंट पे बहुत ज्यादा काम किया है। और स्किनर को कहा जाता है कि टीचर्स मस्ट लर्न हाउ टू टीच। उन्होंने कहा, स्किनर कहते थे कि शिक्षकों को ये पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है। दे नीड ओनली टू बी टॉट मोर इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग। और उनको सिर्फ ये सीखना है कि उनको कैसे और बेहतर तरीके से सिखाना है। स्किनर asserted that positive reinforcement is more effective at changing and establishing behavior than punishment. उसके लिए मानते थे कि सजा देने से अच्छा है आप positive reinforcement देकर बच्चे को mold कर सकते हैं। Essentially, he says that teachers have not been given as in-depth understanding of teaching and learning. और वो कहते थे शिक्षकों को बहुत ज़्यादा teaching और learning की understanding नहीं है, इसलिए वो बेहतर नहीं पढ़ा पाते। Without knowing the science underpinning teaching, teachers fall back on procedures that were poorly or not at all such as. वो कह रहे हैं कि चूंकि शिक्षकों को ये नहीं पता है कि कैसे शिक्षण करना है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं पढ़ाने में अच्छा। तो वो क्या करते हैं शिक्षक जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यूजिंग एवर्सिव टेक्निक्स, जो हम मतलब गलत तरीके मतलब पनिशमेंट जो देते हैं, अनडिजायरेबल इमोशनल इफेक्ट जो स्टूडेंट्स को देते हैं वो नहीं करना है। रिलाइंग ऑन टेलिंग एंड एक्सप्लेनिंग, हम केवल बताने और एक्सप्लेन करने में विश्वास रखते हैं, ये नहीं करना है। फेलिंग टू अडैप्ट लर्निंग टास्क टू द स्टूडेंट्स करेंट लेवल, विद्यार्थी जो जानता है उससे अनुकूलित करके हम नहीं पढ़ाते हैं, ये नहीं करना है। और हम क्या नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रीक्वेंटली नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए भी बेहतर नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये स्किनर ने कहा था, तो ये सब हम अप्लाई कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। फिर ब्रूनर को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं स्किनर को भी, ऑसबेल को भी। यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे उनकी थ्योरी ने इंस्ट्रक्शन को बदला है। जेरोम ब्रूनर डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच ही मेंटेन्ड दैट थिंकिंग एंड रीजनिंग आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल प्रोसेस। इन्होंने कहा कि जो थिंकिंग और रीजनिंग है वो एक ही प्रक्रिया है। He stated that a child passes through several stages of development, which he termed the inactive, iconic and symbolic modes. ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो विद्यार्थी है वो इन तीन चरणों से गुजरता है, inactive, iconic और symbolic. The inactive mode is seen in infant. जो inactive mode है उसको छोटे बच्चों में देखा जाता है। iconic mode में child will give meaning to previous experiences. थोड़े बड़े होने पे बच्चा जब iconic mode में पहुंचता है तो वो जो अनुभवों को अर्थ देने लगता है। The child then proceeds to the symbolic mode, और उसके बाद वो symbolic mode में पहुंचता है जो कि highest form of thinking है। ठीक है, लाइक पियाजे एंड वाइगोट्स्की, ब्रूनर रिगार्ड्स सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और पियाजे और वाइगोट्स्की किस तरह से ही ब्रूनर ने भी ये माना कि यानी कि संज्ञानात्मक विकास में कल्चरल और सोशल फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं। The implications of this theory for teaching reading comprehension is that new concepts should be presented repeatedly, initially at a sample level and over time at an increasingly difficult level, a concept Bruner referred to as the spiral ordering of content. तो और इनकी थ्योरी का इंस्ट्रक्शन में क्या इम्प्लीकेशन है कि इन्होंने बताया कि आप बच्चे को बार बार वो चीज़ें दिखाइए, पहले सिंपलर लेवल पे दिखाइए, फिर कॉम्प्लेक्स लेवल पे दिखाइए। इसी को उन्होंने स्पायरल ऑर्डरिंग ऑफ कंटेंट कहा, जिसको स्पायरल करिकुलम भी कहते हैं, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ब्रूनर की लर्निंग थ्योरी को अगर हम सम करना चाहें, योग उसका निकालना चाहें, तो क्या होगा, टीचिंग एंड लर्निंग एट एन अर्ली एज शुड हैव इट्स एज इट्स गोल द चाइल्ड्स इंट्यूटिव ग्रेस्पिंग ऑफ ए सब्जेक्ट्स बेसिक आइडियाज। एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली इन सम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसको मैं अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपसे कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी स्टेज पे आप कुछ भी सिखा सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली सिखा रहे हैं तो। और द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, वी यूज द एक्ट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन एज अ सेल्फ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, तो ये हो गया क्या नाम है, स्किनर हो गए आपके बिहेवियरिज्म के, ब्रूनर हो गए आपके कॉग्निटिविज्म के, ऑसिबल भी, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म आता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का हमारा इंस्ट्रक्शन में क्या रोल है कि कंस्ट्रक्टिविज्म ने ये सिखाया कि जो मीनिंग है वो लर्नर के लिए पर्सनल है। तो टीचिंग अप्रोचेस शुड ट्राई टू गेट क्लोज टू ऑथेंटिक रियल लाइफ सिचुएशंस एंड लर्न टूवर्ड्स गोल ओरिएंटेड इंक्वायरी। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच हो गया। अब कम्युनिकेशन थ्योरी, मतलब इतना तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग है। कम्युनिकेशन थ्योरी क्या कहता है, द सेकंड बेसिक फाउंडेशन टू बी डिस्कस्ड हियर इज कम्युनिकेशन थ्योरी। द रीजन फॉर दिस इज दैट नियरली ऑल लर्निंग इन्वॉल्व्स लैंग्वेज। हम कुछ भी सिखाएंगे तो उसमें भाषा आएगी, इसलिए कम्युनिकेशन थ्योरी का रोल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्या है, हाउ वन पर्सन रिप्रेजेंट समथिंग टू अनदर पर्सन एंड द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड टू कन्वे दैट रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंसेस व्हाट इज लाइकली टू बी अंडरस्टूड। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ह्यूमन और कंप्यूटर के इंटरेक्शन से ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुई है। और कनेक्टिविज्म की जब बात होती है, जब डिजिटल एज लर्निंग थ्योरी की बात होती है, उसमें सब में ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन ही काम देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड डेवलपमेंट,
instructional design and development are human activities. The general purpose of these activities is to facilitate and support human learning and performance. यानी कि हम किस तरह से instructional design को बेहतर से बेहतर बनाएं जिससे आप human learning को और बेहतर कर सकें. इसका सिर्फ और सिर्फ यही रोल है. Psychology of learning, इसमें इस psychology of learning पे ही instructional design based ही है. ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए बाद में मैंने जल्दी जल्दी किया. मतलब आप जानिए कि चार आपके थेरेटिकल फाउंडेशन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के. साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग, कम्युनिकेशंस थ्योरी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. और उसमें से जो साइकोलॉजिकल बेसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन उसी के हिसाब से बन रहा है. बाकी कम्युनिकेशन थ्योरी और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूसेज है. ठीक है, तो इस तरह से आई हैव कवर्ड दिस वेरी टॉपिक फॉर यू एंड थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई सेल्फ.